कन्नौज के बोर्डिंग ग्राउंड में आयोजित ईडी गठबंधन की संयुक्त रैली में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह मंच पर पहुंचे। राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने जनसभा में भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जनता जान गई है कि ये लोग झूठे हैं, इस बार सरकार गिरनी तय है। राहुल गांधी ने कहा कि कन्नौज से अखिलेश यादव की जीत होने जा रही है, मैं आपको लिखकर देता हूं। करोड़ों परिवारों के बैंक अकाउंट में जिंदगी बदल जाएगी। जैसे नरेंद्र मोदी जी ने 22 लोगों को मदद की, वैसे ही हम करोड़ों लोगों को लाखपति बनाने जा रहे हैं। भाइयों और बहनों, ये पैसा हर महीने मिलेगा और उस दिन तक मिलेगा जिस दिन तक ये परिवार गरीबी रेखा से नीचे होंगे। जब तक ये गरीबी रेखा के ऊपर नहीं जाएंगे, उस दिन तक हर महीने इनको पैसा मिलता जाएगा, मिलता जाएगा, मिलता जाएगा, मिलता जाएगा। ये मीडिया वाले कहेंगे कि देखो, इंडिया गठबंधन गरीबों की आदत बिगाड़ रहा है। मैं इनसे कहना चाहता हूं, जब नरेंद्र मोदी जी ने अदानी जी का लाखों करोड़ रुपए कर्जा माफ किया तो उनकी आदत नहीं बिगड़ी क्या? अरबपतियों की आदत नहीं बिगड़ी क्या? और आपको जो कहना है कहो, जो मीडिया वालों को कहना है कहो। आप कहते हो मोदी जी का जितना फोटो लगाना है लगाओ, हम करोड़ों लाखपति बनाने जा रहे हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्या कहते हो। आप हो ही मोदी के, आप अदानी के हो, आप मोदी के हो, आप किसानों के नहीं हो, मजदूरों के नहीं हो, गरीबों के नहीं हो, पिछड़ों के नहीं हो, दलितों आदिवासियों के नहीं हो। भाई और बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने करोड़ों युवाओं को बेरोजगार बनाया। कोविड आया, हिंदुस्तान के बेरोजगार युवाओं से कहा, भाइयों और बहनों, थाली बजाओ, थाली बजाओ, थाली बजाओ। और जो मजे की बात आप सुनिए, आपसे उन्होंने कहा थाली बजाओ, और फिर इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम में जो लोग, जिस कंपनी ने वैक्सीन बनाई, उस कंपनी से बीजेपी ने करोड़ों रुपया लिया, करोड़ों आपका रुपया। नरेंद्र मोदी जी ने, बीजेपी ने वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से लिया। आप मर रहे थे, आपके पास ऑक्सीजन नहीं था, वेंटिलेटर नहीं था, और आपसे वो कह रहे थे थाली बजाओ, और कंपनी वो कह रहे थे हमें पैसा दो। ये नरेंद्र मोदी की सच्चाई है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स में साफ लिखा है। भाइयों और बहनों, बेरोजगार युवाओं के लिए पहली नौकरी पक्की स्कीम है। मतलब समझा देता हूं, हिंदुस्तान के बेरोजगार युवाओं को पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, सरकारी अस्पतालों में, सरकारी कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में, सरकारी ऑफिसेज में एक साल की अप्रेंटिसशिप मिलेगी, ट्रेनिंग मिलेगी, और बैंक अकाउंट में महीने के 8,500 रुपए, साल के 1,00,000 रुपए करोड़ों युवाओं के बैंक अकाउंट में जाएंगे। हम रुकने वाले एक कन्नौज का एक लंबा समाजवादी इतिहास है जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी से शुरू होता है, नेताजी से लेकर के। और जब भी समाजवादी पार्टी ने जिसको आपके बीच में लड़ाया होगा, आपने ऐतिहासिक वोटों से जिताने का काम किया। और जब मैं जीता हूं तो इस कन्नौज को विकास की ऊंचाइयों तक ले जाने का काम किया है। इसी कन्नौज में जितने भी बड़े बड़े काम आज दिखाई दे रहे हैं, सबके सब समाजवादियों के किए हुए हैं। अगर कोई हाईवे पे चलता होगा तो वो जानता होगा कि समाजवादियों का हाईवे है। कोई चला होगा
लेकिन हाईवे को हम लोगों ने कभी धुलवाया नहीं होगा। जो लोग आज के दिन जब हम याद कर रहे हैं और अपने परशुराम जयंती के दिन, अक्षय तृतीया के दिन जब ये कार्यक्रम होने जा रहा है, मुझे पूरा भरोसा है कि कन्नौज की जनता, ऐसे लोग जो हमारे और आपके बीच में दीवार बनकर के खड़े हैं, समय समय पर समाज को तोड़ने का संदेश देते हैं, उन सबको आप धोने का काम करोगे, एक एक वोट डाल करके धोने का काम करोगे। वैसे तो चोरी में झगड़ा तभी होता है जब बंटवारा ठीक से नहीं होता है। चोरों में झगड़ा तभी होता है जब चोरी की चीज का बंटवारा ठीक ना हो। और हमें तो वो दिन भी याद आ रहे हैं जो लोग कहते थे बादलों की वजह से रडार से दिखाई नहीं देता है और नाले की पाइप से गैस निकाल करके चाय बनाई जा सकती है। आज वही लोग और उनके सहयोगी लोग कह रहे हैं कि जो वैक्सीन निकाल ली है, जो वैक्सीन लगवाई है, जिनके पास ऐसा ज्ञान है तो उन पे ये भी तो ज्ञान होगा कि वैक्सीन जो लग गई है वो वैक्सीन कैसे निकाली जाएगी। मैं बहुत लंबी बातें नहीं कहना चाहता हूं, हमारा किसान, नौजवान और इस देश की जनता बदलाव चाहती है। बीजेपी के लोगों ने पिछले 10 साल में और लखनऊ की सरकार ने 7 साल में जनता को झूठी बातें और वादे झूठे देकर के गुमराह करने का काम किया है। हम सब मिलकर के इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी मिलकर के इनको सबक सिखाने जा